तो पहले कहा कि जन भावनाओं का आदर करते हुए राम मंदिर बनवाना चाहिए, बनना चाहिए आपके हिसाब से? ये पूरा जो अभियान चला है, ये बनारस में नगर निगम में मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि जन भावना को देखते हुए अब राम मंदिर बन जाना चाहिए वहाँ पर? बनना चाहिए, आप लोग कवायद करेंगे? मंदिर बनना चाहिए, आप लोग कवायद करेंगे? देखिए, हम लोग जिस दिन से हम सत्ता में आए, हम लोगों ने एक कानून पाबंद लोग हैं, हर तरीके से चाहते हैं कि कानून की रक्षा हो, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन जन भावना ये कहती है कि मंदिर बनना चाहिए। जी, आपके विधायक कह रहे हैं कानून को भी नहीं मान रहे हैं? नहीं, हम तो कानून सम्मत तरीके से ही बनवाना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बने, ये जन भावना कहती है, इस देश की एक कॉमन कंसेंसस कहता, और मैं समझता हूँ कि 25 तारीख को ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा कि जिसकी वजह से हमको कोई आशंका होनी चाहिए, किसी प्रकार की इस कोई घटना उसकी हमें न तो आशंका है न उसकी संभावना, इसलिए ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि किसी को भी मीटिंग करने का, धर्म संसद करने का, अपनी बात को कहने का, भारत के संविधान में स्वतंत्रता दी है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा करके वहाँ पर धर्म संसद बुलाने का आह्वान किया, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, न करने दीजिए। धार्मिक भावना, धार्मिक प्रचार प्रसार जितना होता है उतनी देर हम कुरीति से बचते हैं, उतनी देर हम अच्छी बात सोचते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करने के लिए प्रेरित होते हैं, इसलिए इसमें गलत कुछ भी नहीं। ठाकरे भी कल आज पहुँच चुके हैं,